मामला विवादों के केंद्र में रहा है। कर्नाटक की यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये मुद्दा देश के कोने कोने को प्रभावित करने लगा। शुरुआत में तो पुलिस प्रशासन की मदद से इसे हैंडल की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला कंट्रोल से बाहर हुआ तो इस मामले में सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट की दखल शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पूर्व कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले को सुनाया गया, जहां कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन का फैसला सुनाया। इसी फैसले को चुनौती देते हुए हिजाब के पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई। आज की इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने दावा किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद करीब 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल और कॉलेज को ड्रॉप कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में जोर देकर कहा कि ये सभी ड्रॉप आउट हिजाब बैन के कारण ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद विवाद का दौर काफी देखा गया। जब ड्रॉप आउट का मामला उठा तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वकील हुजैफा अहमदी से पूछा कि क्या आपके पास कोई संख्या है कि हिजाब बैन के बाद कितनी छात्राओं ने स्कूल छोड़ा, जिस पर जवाब देते हुए अहमदी ने कहा कि PUCL की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया और वे परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई। इतना ही नहीं, अहमदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राएं स्कूल शिक्षा से भी वंचित रह गई। हिजाब विवाद की बात करें तो ये पिछले साल कर्नाटक के उडुपी स्थित एक स्कूल से शुरू हुआ था। स्कूल के छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है। धीरे धीरे ये विवाद राज्य के अन्य स्कूलों में भी फैलने लगा। बढ़ते विवाद को देखते हुए 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। वहीं 10 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्कूल और कॉलेज में धार्मिक कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दिया था।